जानवर ना ही हमारे भाई हैं और ना ही हमारे मुलाजिम। वो एक अलग दुनिया है जो जीवन और समय के इस फास में हमारे साथ फंसे हुए हैं। प्रलयंकारी आफत जिसका नाम स्विफ्ट था, जो धरती का काया पलट कर दिया था, उस घटना को गुजरे 20 साल हो चुका है। यह धरती जो कभी इंसानों और जानवरों के लिए जन्नत थी, वो अब एक डरावना खाब बन गया है। तूफान, आग और फटने के मेल से बना एक घूमता भंवर बचे हुए थोड़े से जीवन को भी निगलने का खतरा पैदा करता है, और फिर भी जीवन बाकी है। कुछ मुख्तलिफ और ना हारने की जिद रखने वाले प्रजातियों के जानवरों ने वातावरण के हिसाब से खुद को ढल लिए, जो इंसान नहीं कर सके। हमारी कहानी भी एक ऐसे जानवर के बारे में है जो वातावरण के हिसाब से खुद को ढलने में काफ़ी हद तक सक्षम हुआ है। वह जानवर एक शुगर ग्लाइडर है। ये छोटा सा जानवर आमतौर पर नए और खतरनाक माहौल में नेविगेट करने में माहिर होता है। मौसम काफ़ी खतरनाक है, तेज हवाएं चल रही है। एक शुगर ग्लाइडर का परिवार रास्ते पर गिरे साग के ऊपर से होते हुए अपने निवास के तरफ लौट रहा होता है। बिजली चमक रही है, गड़गड़ाहट हो रहा है, घास तेज हवाओं के वजह से हिल रहे हैं। ये सब तेज आंधी और तूफान का इशारा है। पूरा परिवार जल्द से जल्द अपने ठिकाने के तरफ लौट रहा होता है। यद्यपि धरती से गायब हो चुके बाकी काफी जानवरों के भांति शुगर ग्लाइडर्स अब विलुप्त होने के कगार पर हैं, फिर भी उनके धड़कते दिल हमें आशा की किरणें दे रही है, और ये सबूत कि चाहे हालात कैसे भी हो, जिंदगी हमेशा राह ढूंढ लेती है। हवाएं और तेज हो चुकी है, घास और जोर से हिलने लगे हैं। हमें बाबा को फॉलो करते रहना है। सबसे आखिर में हम ही हैं। इंसानों के भांति शुगर ग्लाइडर्स भी मजबूत खानदानी रिश्ते बनाते हैं। वालिद और उनकी औलादें एक दूसरे की हिफाजत और परवरिश करते हैं, और इस तरह से आपसी तालमेल रखते हैं कि उनके जिंदा रहने का आसार काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। उसके बाबा उसे प्यार से अंदर ढकेलते हैं और वो अपने माँ के पास आ जाता है। बाबा के अंदर आने के दौरान तेज हवा के चलते छत उड़ जाता है। हवा उन्हें खींच कर बाहर लाकर पकड़े छोटे टहनी को तोड़कर उड़ाकर दूर कहीं ले जाती है। सुबह होता है, चिड़िया चहचहा रही होती हैं, आंधी और तूफान थम चुका होता है। शुगर ग्लाइडर का परिवार भारी मन से आगे बढ़ रहा होता है। अपने प्रिय को गंवाने के बावजूद भी पत्नी अपने दो बच्चों के साथ उम्मीद का दामन पकड़े एक नए ठिकाने के तलाश में सफर को चालू करती है। जवान ग्लाइडर्स अपने माँ के साथ करीबन 10 माह के होने तक रहते हैं। हम केवल 6 माह के हैं, और जीवन जीने के तरीकों को सीखने के लिए हमें और काफ़ी वक्त माँ के साथ बिताने हैं। यहाँ से प्रकृति का नज़ारा काफ़ी मनमोहक है। हमें बिना रुके माँ को फॉलो करते रहना है। हमें रहने के लिए जल्द से जल्द नया ठिकाना ढूंढना है। माँ अपने ऊपर हमारी छोटी बहन को पकड़ी हुई है। वह अभी काफ़ी छोटी है, वो अभी ज़्यादा नहीं चल सकती। बड़े होने के नाते माँ के बताए हर बात को हमें गौर से सुनना है और उससे अच्छे तरीके से सीखना है। हमें जितना हो सके माँ के पास पास रहना है और हर तरीके को अच्छे से देखकर पालन करना है। पेड़ पैदाइशी ग्लाइडर्स के घर होते हैं, और वहाँ पर उन्हें जान का खतरा भी थोड़ा कम रहता है, पर हम अभी जंगल के जमीन पर हैं, तो थोड़ा एहतियातन आगे बढ़ना है। आगे का सफर जरूर मुश्किलों से भरा हुआ होने वाला है, तो जितना जल्द हो सके हमें बुनियादी पैंतरों को माँ से सीखना है। मशरूम और दीगर रसीले पौधे न सिर्फ शुगर ग्लाइडर को पोषण प्रदान करते हैं, बल्कि आगे बढ़ने का राह भी दिखाते हैं। जहाँ पौधे पनपते हैं, वहाँ दूसरे किस्म के जानवर भी पनप सकते हैं। जहाँ पर भी खाना मिले हमें भरपूर खा लेना है। ताकत के लिए खुराक काफ़ी ज़रूरी है। खाना लगभग हो चुका है और हम सफर पर आगे बढ़ चले हैं। बाएं तरफ के नीचे 2 मीटर है, व्हाइट वाला ताकत को
और ग्रीन वाला जीवन को दर्शाता है। हम चलने के साथ साथ कूद भी सकते हैं। जंपिंग ग्लाइडर को फुर्तीला और मजबूत रखता है। इस बुनियादी पैंतरा हमें इस बदलती वातावरण में जिंदा रखने के लिए काफी मददगार साबित होगा। जहां पर राह ऐसे बंद होंगे, हम कूद कर उसे पार कर आगे बढ़ेंगे। ये चमकीला नीले रंग का चीज एक खास तरह के मशरूम है। माँ गाइड की तरह आगे चल रही है। हमारे सामने एक काला मकड़ी आ चुका है। हमें इसे मारना है, नहीं तो वो हमें मार सकता है। मकड़ी मर चुका है, हम उसे कामयाबी से मार चुके हैं। हम चाहे तो इसे खा भी सकते हैं। हमें फलने फूलने के साथ साथ जीवित रहने के लिए हर तरह के कौशल में महारत हासिल करनी है। हमें जल्द से जल्द ग्लाइडिंग को सीखना है। बिना इसको सीखे जंगल के जमीन पर ज्यादा देर तक जिंदा रह पाना लगभग नामुमकिन है। ग्लाइडिंग के लिए ताकत चाहिए और ताकत खाने से आती है। हमारे दोनों मीटर काफी हद तक ग्लाइडिंग के लिए जिम्मेदार है। हमें जहाँ पर भी खाना मिले खा लेना है। माँ हमारी मुख्तलिफ किस्म के खाने से पहचान करवा रही है। येलो बेरीज काफी स्वादिष्ट हैं। ग्लाइड स्टेमिना पूरा भर चुका है। चलो चलते हैं। ये जजीरा का नाम सेवियर आइलैंड है। ये कुछ गिने चुने बचे हुए इकोसिस्टम में से एक है। इसके घने जंगलों ने शायद एक समय पर इस नन्हे नौजवान ग्लाइडर को आश्रय और आराम प्रदान किया होगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यह जजीरा अब प्रतिस्पर्धी प्रजातियों का एक जंगी इलाका बन चुका है। पेड़ों में होने के दौरान ग्लाइडर ज्यादातर घर में होने की तरह महसूस करता है। उसका पूरा शरीर पेड़ों के ऊपर बिताने के माकूल बना है। उसके पैरों पर मौजूद विरोधी अंगूठे उसे शाखाओं को पकड़ने और कलाबाजी के शानदार कर्तव्य करने की अनुमति देते हैं। अपने ग्लाइडिंग मेम्ब्रेन के मदद से वो ग्रेविटी के असर को काट देता है और हवा में कागज के भांति लगभग उड़ता रहता है। हम कूदने के बाद ग्लाइड कर इस पर आ चुके हैं। हालांकि ग्लाइडिंग इतना आसान नहीं है, पर समय के साथ हम इस पर महारत हासिल कर लेंगे। यहाँ से दूर का नज़ारा काफी सुंदर है, पर मम्मी से ज्यादा देर से दूर हम नहीं रह सकते। ये जानलेवा हो सकता है। पहाड़ के सहारे टिका हुआ इस शाखे के मदद से हम ऊपर जा रहे हैं। मम्मी और हमारी बहन ऊपर हैं। चलो जल्दी उनके पास चलते हैं। अब से गेम खत्म होने तक हमारा नाम हार्ट है और हमारी बहन का नाम भावलेट। ये भावलेट कलर के चमकीले मशरूम हमें आगे बढ़ने का सही राह दिखाते हैं, तो इसीलिए हमने बहन का नाम भावलेट रख दिया है, ताकि हमें हमेशा याद रहे कि हमें इनको फॉलो करना है। हम मम्मी के पास हो चुके हैं, वो हमारा इंतजार कर रही है। फिर से तीनों सफर को चालू कर देते हैं और हमारा आज का अफसाना यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आप सबसे अगले एपिसोड में। अलविदा।